तो हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं इन घोड़ों को गैलप देने के लिए और हमारे हेल्पर साहब हाथी सिंह घोड़ा लगा रहे हैं और इनको हेल्पर कहना पसंद नहीं है और ये हमारी घोड़ी है, सबसे पीछे आने वाली घोड़ी, ठीक है। और इधर सुपर स्टार चैन सिंह के पास में और एक चंदन सिंह के पास में, तीन घोड़ा साथ गैलप जाएंगे और उधर हेल्प करवा रहे हैं पूनम सिंह जी और हाथी सिंह अपना पूरा जोर आजमा रहे हैं घोड़ी के ऊपर। अभी आप पकड़ के चलो, बस 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 आज जाएंगे गैलप, देखते हैं लास्ट एंड फाइनल इसका गैलप है। हमें वो महाराणा प्रताप वाला जमाना याद आता है जब सैनिक खाना युवराज के लिए घोड़ा लेकर बाहर आते थे। आइए युवराज, आप आसन ग्रहण कीजिए। हमारी घोड़ी थोड़ी लेजी है और मोगू तो पहले ही रेस में भी भागा हुआ है और तकड़ा घोड़ा है और ये नई बच्ची है इसलिए थोड़ा डर रही है। और चैन सिंह के पास में है और मेरे पास में है, ये दोनों हम उम्र के गर्ल्स है, घोड़ी को लेडी गर्ल्स बोलते हैं, तो हाँ बोलते मैं समझना। और चंदन सिंह काफ़ी आगे चले गए हमसे और इन तीनों को आज अब गैलप दे रहे हैं। सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि मेरा घोड़ा आ गया है क्योंकि ये लेजी बहुत है, ये आगे तो वैसे नहीं आती है। और चैन सिंह के पास में घोड़ी है, उसके पेट में क्या पता इन्फेक्शन है, पता नहीं कुछ इन्फेक्शन है या उसको सांस ज़्यादा फूल जाती है। तो अभी यहाँ से गैलप देंगे तो वो तो आगे वाला थोड़ा बड़ा घोड़ा है, हम जाएंगे उस घोड़े को पकड़ने के लिए और वो पकड़ में नहीं आएगा। और यहाँ से हम जाएंगे 20-20, यानी 20 का मतलब होता है 20 सेकेंड में 200 मीटर पार करेंगे, ठीक है ना, उस हिसाब से जाएंगे। आगे सीध घूमने के बाद में 17-17, फिर 16-16, फिर सीधे में 11-11 आएंगे। ये पूरा राउंड में है तो घोड़ों को काफ़ी प्रेशर पड़ता है स्पीड में आने के लिए। तो और इसको जो घोड़ों को दाना भी है ना, वो हाइब्रिड देते हैं, उसके अंदर बहुत सारे विटामिन वगैरह, जो भी विटामिन की कमी होती है वो हम पूरी करते हैं। आज विटामिन निकलेगा पता चलेगा। और ये तो मेरी घोड़ी तो अभी रुकने चालू हो गई है, अभी से स्टार्ट हो गई। और चंदन सिंह का घोड़ा इजी जा रहा है, उसको पुश भी नहीं करना पड़ रहा है। और इधर देखो चैन सिंह भी धीरे धीरे करके आगे निकल रहे हैं, फिर भी चैन सिंह के पकड़े ही हुई है घोड़ी, मैं तो एकदम लूज घोड़ी को छोड़ा हुआ है, फिर भी देखो चैन सिंह को लेके भाग रही है घोड़ी। तो चैन सिंह पास में है, वो काफ़ी अच्छी घोड़ी है पर उसको थोड़ा पेट में प्रॉब्लम है, पता नहीं देखो कितनी खतरनाक से निकली। और मेरी घोड़ी मेरे को लगता है अभी मेरे आगे नहीं निकलेगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आगे निकालने के लिए। और पीछे तो भाई साहब पूरा का पूरा गुब्बार आ रहा है और चंदन सिंह बहुत ज़्यादा लंबे निकल गए हैं और चैन सिंह भी काफ़ी आगे निकल गए। मैं नहीं चाहूँगा छाबक ठोकने के लिए क्योंकि छाबक मारेंगे तो घोड़ी क्योंकि आगे के पैर में से लंगड़ा रही है तो हो सकता है उसको प्रॉब्लम आएगा, मैं पकड़ लूँगा नहीं तो जाने दूँगा इनके पीछे। और अभी तकड़ी घोड़ी निकल रही है, अभी खुल रही है घोड़ी और चैन सिंह चाबुक मार रहे हैं, कोई गति को मार रहे हैं, ऐसे चाबुक मार रहे हैं। चैन सिंह को ऐसा चाबुक नहीं मारना चाहिए, सीधा चाबुक मारना चाहिए। और ओ तेरी, मेरा चाबुक गिर गया, चाबुक मारने वाला भी था पर घोड़ी को अभी पैर दर्द करने लग गया है, फिर भी कुछ करता हूँ, कैसे जा रही है, फिर घोड़ी अभी आगे नहीं बढ़ेगी। तो चलो थोड़ा डिस्टेंस रहा, चंदन सिंह तो बहुत लंबे निकल गए हैं आगे, काफ़ी आगे चले गए हैं, देखते हैं घोड़ी का लास्ट रिजल्ट क्या आता है। तो चैन सिंह की घोड़ी काफ़ी थक गई है, उस घोड़े को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ यार, मोगू तकड़ा गया, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया यार घोड़ी के साथ साथ में, मेरे को भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। घोड़ों को ज़्यादा भगाते ना जो ऊपर राइड करने वाला बंदा होता ना, वो भी घोड़े के जितना उसका सांस फूल जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आज का हमारा गैलप हो गया है खलास और अभी जाएंगे दूसरा घोड़ा लेके आएंगे। और ये भी घोड़ों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, घोड़ों को गैलप देते हैं रेस से पहले देते हैं। अभी हमारे ये दो बच्चे हैं, ये नए बच्चे हैं, ये अभी तक फिट नहीं हुए,
तो जब घोड़ा फिट होता है उसको एकदम दबा के भगाते हैं और उसकी ज़्यादा सांस नहीं फूलती, आदमी के जैसा जैसा है सांस नहीं फूलती एकदम, सांस उसकी मतलब टाइम से रुक जाती है, रिलैक्स हो जाता है, तो वो घोड़ा फिट हो जाता है। अभी तक ये घोड़ा फिट नहीं है और इनकी रेस है 18 तारीख को रेस है, तो देखेंगे वो रेस में कैसे भागेंगे। और ये घोड़ी के मेरे पास घोड़ी है, इसको तो पैर में भी प्रॉब्लम है,